नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। ईद मिलाद उन नबी के मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। कश्मीर में दम तोड़ते आतंक पर होगा आखिरी प्रहार, आतंकी आकाओं को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बल तैयार। बांग्लादेश में मंदिर पर हमले को लेकर इस्कॉन ने मांगा न्याय, हिंसा को रोकने या नियंत्रण करने की करी मांग। बाबुल सुप्रियो जो औपचारिक रूप से लोकसभा की सदस्यता से देंगे इस्तीफा, 20 सितंबर को ओम बिरला को पत्र लिखकर करा था अनुरोध। बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में उत्तर अमेरिका का हिंदू संगठन दूतावास के सामने किया प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को नहीं मिली मंजूरी, एचआईवी फैलने को लेकर किया जा रहा है दावा। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 66 घरों को किया क्षतिग्रस्त, रिपोर्ट के मुताबिक 20 में लगा दी आग। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों की अनदेखी का दोषी पाए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक पर कड़ी कार्यवाही के साथ 1 करोड़ का जुर्माना ठोका। भारतीय टीम ने वार्म अप मैच में इंग्लैंड को हराया, ईशान किशन और केएल राहुल ने जड़े अर्धशतक। जातिगत टिप्पणी मामले में अभिनेत्री युविका चौधरी गिरफ्तार, 3 घंटे की पूछताछ के बाद मिली जमानत। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।